दिन रोशन, भानु, पिंकी और रोहित बगीचे में क्रिकेट खेलने जाते हैं। भानु प्रसन्नता से बोलता है, पहली बैटिंग तो मैं ही करूंगा। इस पर रोहित हंसते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है भानु, तू कर ले पहली बैटिंग, दूसरी तो मेरी होने वाली है। पिंकी खुश होते हुए बोलती है, मैं तो बॉलिंग करूंगी। फील्डिंग के अलावा कोई और ऑप्शन न देख रोशन उदास हो जाता है और बोलता है, ठीक है। अब सब अपने अपने जगह लेकर खेलना शुरू करते हैं। पिंकी बॉल फेंकती है, भानु बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर मारता है। रोशन हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या, भानु ने पहली बॉल में छक्का मार दिया। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बॉल लेकर आता हूँ। और रोहित जंगल की तरफ बॉल ढूंढने चला जाता है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी बॉल नहीं मिलती। रोहित कहता है, लगता है बॉल उस झाड़ी के ही पीछे छुपी है। और झाड़ी को हटाते ही रोहित को चॉकलेट और आइसक्रीम की खुशबू आने लगती है। रोहित खुश होते हुए बोलता है, वाह, ये आइसक्रीम और चॉकलेट की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही रोहित अपना सिर उठाकर देखता है तो वहाँ एक गुफा दिखाई देती है और वो गुफा की तरफ खींचा चला जाता है। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाता है, उसे चॉकलेट की दुनिया और आइसक्रीम के पहाड़ बने हुए दिखते हैं। ये सब देख रोहित खुशी से फूला नहीं समाता और दौड़कर जाकर चॉकलेट और आइसक्रीम के चटकारे लेने लगता है। रोहित खुश होते हुए अपने आप से बोलता है, वाह वाह, इतने सारे चॉकलेट और आइसक्रीम, ये सब तो मैं ही खाऊंगा। यहाँ बगीचे में सभी दोस्त रोहित का इंतजार कर रहे होते हैं। पिंकी उदास स्वर में बोलती है, ये रोहित अभी तक आया नहीं बॉल लेकर। भानु बोलता है, चलो उसे ढूंढते हैं। रोशन ने हामी भरते हुए बोला, हाँ चलो चलो। अब सारे दोस्त रोहित को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंच जाते हैं। रोशन चौंकते हुए बोलता है, अरे इस गुफा से तो चॉकलेट की खुशबू आ रही है। भानु कहता है, हाँ चॉकलेट की खुशबू मुझे भी आ रही है। पिंकी ने सोचते हुए कहा, लगता है रोहित जरूर गुफा के अंदर होगा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। रोशन और भानु एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ चलो अंदर चलते हैं। इधर रोहित चॉकलेट और आइसक्रीम के चटकारे ले ही रहा होता है कि तभी जादू की छड़ी पर सवार एक चुड़ैल वहाँ आ पहुँचती है। चुड़ैल डरावनी हंसी हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा, ओए मोटी, कितना खाएगा। रोहित डर जाता है और पूछता है, तू तू तुम कौन हो। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, मैं चुड़ैल हूँ और ये मेरी दुनिया है, हा 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 हा, हा 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 हा। रोहित अब और डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, मुझे जाने दो। पिंकी, रोशन और भानु दूर से ये सब देख रहे होते हैं और वे भी सहम जाते हैं। पिंकी ने हिम्मत जुटाते हुए रोशन और भानु से कहा, तुम लोग डरो मत, हम सब मिलकर रोहित को बचा लेंगे। फिर सभी दोस्तों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस चुड़ैल को आग में ढकेल दिया। चुड़ैल चीखती चिल्लाती हुई उस आग में जल जाती है। हाय रे हाय रे, इन बदमाश बच्चों ने तो मुझे मार ही डाला। और इसके साथ ही उसके चॉकलेट और आइसक्रीम की मायावी दुनिया भी खत्म हो जाती है। सभी बच्चे एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि एकता में ही शक्ति है। एकता में शक्ति है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि हम सब साथ मिलकर सामना करें तो जीत मिल ही जाती है।